Hello, my dear students. How are you all? Let's continue our chapter 6, the keyboard. इस चैप्टर में हमने सीखा था हमारे कीबोर्ड के बारे में. हमारे कीबोर्ड में थ्री टाइप्स की कीज होती है. फर्स्ट वन है अल्फाबेट कीज, सेकेंड वन नंबर कीज एंड थर्ड वन इज स्पेशल कीज. लास्ट लेक्चर में हमने स्पेशल कीज सीखी थी, जिसमें हमने कौन कौन सी की सीखी थी. हमने सीखी थी स्पेस बार की, शिफ्ट की, कैप्स लॉक की एंड एंटर की. लेट्स रिकैप ऑल ऑफ द कीज. फर्स्ट वन स्पेस बार की. स्पेस बार की हम उसका क्या यूज करते हैं? स्पेस बार की हमारे कीबोर्ड की सबसे लॉन्गेस्ट की होती है, और स्पेस बार की का यूज करके हम हमारी जो राइटिंग है, जो हमने टाइपिंग की है, उसमें स्पेस ऐड कर सकते हैं. नेक्स्ट हमने सीखी थी शिफ्ट की. शिफ्ट की का हम क्या यूज करते हैं? शिफ्ट की मदद से हम कैपिटल लेटर टाइप कर सकते हैं. जब हम किसी भी लेटर को कैपिटल में टाइप करना चाहते हो, तब हम शिफ्ट की को प्रेस करके होल्ड करके रखेंगे, और जब उसे होल्ड डाउन करेंगे तब हमारा जो लेटर है, जो हमने टाइप किया है, वो हमारा कैपिटल लेटर टाइप होगा. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे शिफ्ट की का यूज करके यहाँ पर जो नेम है उसका फर्स्ट कैरेक्टर है उसको कैपिटल में राइट डाउन किया है. देन आफ्टर हमने सीखी थी कैप्स लॉक की. हम कैप्स लॉक की का क्या यूज करते हैं? कैप्स लॉक की का यूज हम कैपिटल लेटर्स टाइप करने के लिए करते हैं. सिंपली जब हमें सब कुछ जो हमें टाइप करना है, वो सारी हमारी टाइपिंग अगर कैपिटल लेटर्स में चाहिए, तो हम जनरली कैप्स लॉक की का यूज करते हैं. सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि कैप्स लॉक की को प्रेस करके हम हमारी सारी टाइपिंग कैपिटल लेटर में टाइप कर सकते हैं. देन आफ्टर नेक्स्ट हमने सीखी थी एंटर की. हम एंटर की का क्या यूज कर सकते हैं? प्रेसिंग द एंटर की मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन. अगर हमें हमारे कर्सर को नेक्स्ट लाइन में मूव करना हो, तो हम एंटर की को प्रेस करके हमारे कर्सर को नेक्स्ट लाइन में मूव कर सकते हैं. अगर हम कुछ टाइप कर रहे हो और अगर हमें हमारे कर्सर को नेक्स्ट लाइन में मूव करना हो, तो हम एंटर की का यूज करके हमारे कर्सर को नेक्स्ट लाइन में मूव कर सकते हैं. सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक नेम लिखा है अदिति पांडे. देन आफ्टर उसका स्कूल का नेम लिखा है. तो यहाँ से हमने न्यू लाइन स्टार्ट की, लिटिल किड्स स्कूल. इट मींस कि यहाँ पर जो हमने नेम राइट डाउन किया, उससे नेक्स्ट लाइन में हमने उसका स्कूल नेम राइट डाउन किया. तो नेक्स्ट लाइन में मूव होने के लिए हम एंटर की का यूज करते हैं. ओके, देन आफ्टर हम न्यू की सीखेंगे, एरो की. सो लेट्स सी व्हाट इज एरो की. देयर आर फोर एरो की ऑन द कीबोर्ड. हमारे कीबोर्ड में फोर एरो की होती है. हाउ मेनी एरो कीज? देयर आर फोर एरो कीज ऑन द कीबोर्ड. आप लोग यहाँ पर राइट साइड में इमेज में देख सकते हो कि हमारे कीबोर्ड में ऐसी फोर एरो की होती है. दिस इज अप एरो की, दिस इज लेफ्ट एरो की, दिस इज डाउन एरो की एंड दिस वन इज राइट एरो की. सो हियर इट इज, देयर आर फोर एरो कीज. कैन यू लोकेट देम ऑन योर कीबोर्ड? क्या हम देख सकते हैं कि कहाँ पर हमारी एरो कीज है? यहाँ पर हमारे कीबोर्ड में हमारी एरो कीज लोकेट होती है, ऐसी हमें व्यू होती है. यू कैन यूज द एरो की टू मूव द कर्सर अप डाउन लेफ्ट एंड राइट ऑन द मॉनिटर स्क्रीन. हम एरो की का क्या यूज करते हैं? हम एरो की मदद से हमारे कर्सर को अप डाउन लेफ्ट या राइट हमारी मॉनिटर स्क्रीन पर मूव कर सकते हैं. इट मींस कि अगर हमें हमारे कर्सर को लेफ्ट में मूव करना है, तो हम लेफ्ट एरो की मदद से मूव कर सकते हैं. ऐसे ही हम अगर हमारे कर्सर को राइट में मूव करना है, तो हम राइट एरो की मदद से मूव कर सकते हैं.
और अगर हमें हमारे कर्सर को अप एंड डाउन मूव करना है तो हम अप एरो की और डाउन एरो की का यूज करके हमारे कर्सर को मूव कर सकते हैं। सो ये हमने सीखा एरो की का यूज। हमारे कीबोर्ड में 4 एरो की होती है। कौन कौन से एरो कीज होती है? अप, डाउन, लेफ्ट एंड राइट एरो की। हम ये 4 एरो की का यूज करके हमारे कर्सर को अप एंड डाउन या तो लेफ्ट टू राइट मूव कर सकते हैं हमारी मॉनिटर स्क्रीन पर। ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज बैकस्पेस एंड डिलीट कीज। नेक्स्ट हम कौन सी कीज सीखेंगे? नेक्स्ट हम सीखेंगे बैकस्पेस एंड डिलीट कीज। यू कैन sometimes make a mistake while typing. You can correct the mistake using the backspace key or the delete key. जब हम कुछ typing कर रहे हो तब हम कभी कभी कोई mistake कर देते हैं, तो उस mistake को correct करने के लिए हम कौन सी key use कर सकते हैं? हम backspace key या तो delete key का use कर सकते हैं। So, जैसे अगर हम बुक में कुछ राइट डाउन कर रहे हो हमारी पेंसिल से और अगर हमने कुछ हमने कुछ गलत राइट डाउन कर दिया और हमें उसे रिमूव करना है, डिलीट करना है, तो कैसे हम हमारे इरेजर का यूज करते हैं बुक में इरेज करने के लिए? वैसे ही अगर हमने हमारी टाइपिंग में अगर कुछ गलत टाइप कर दिया है और हमें उसे करेक्ट करना है और जो मिस्टेक की है उसको रिमूव करना है, तो उसके लिए हम बैकस्पेस की या तो डिलीट की का यूज कर सकते हैं। द बैकस्पेस की इरेज द लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। अगर हमने जो टाइपिंग की है उसमें से अगर हमें लेफ्ट साइड में कुछ रिमूव करना है, कुछ डिलीट करना है, तो हम बैकस्पेस की का यूज कर सकते हैं, क्योंकि बैकस्पेस की जो है वो लेफ्ट साइड से हमारे नंबर्स, लेटर्स या तो सिंबल्स जो भी कुछ हमने टाइप किया है उसको इरेज करती है। इट मींस कि अगर कर्सर की लेफ्ट साइड में से कोई भी लेटर, नंबर या सिंबल अगर हमें इरेज करना है तो हम बैकस्पेस की का यूज करेंगे। द डिलीट की इरेज द लेटर, नंबर एंड सिंबल टू द राइट ऑफ द कर्सर। So, जैसे हमारी बैकस्पेस की जो है वो हमारे लेटर, नंबर और सिंबल को लेफ्ट साइड से इरेज करेगी, वैसे ही यहाँ पर डिलीट की में ऑपोजिट है। अगर हमें हमारे कर्सर की राइट साइड का कुछ रिमूव करना है, इरेज करना है, तो हम डिलीट की मदद से इरेज कर सकते हैं। इट मींस कि यहाँ पर एक नेम लिखा है अदिति पांडे, अगर मेरा कर्सर यहाँ पर है और मुझे ये टी रिमूव करना है तो मैं बैकस्पेस की यूज करूंगी, और अगर मेरा कर्सर यहाँ पर टी और आई के बिटवीन है और अगर मुझे आई रिमूव करना है तो मैं यूज करूंगी डिलीट की। इट मींस कि लेफ्ट में अगर हमें कुछ इरेज करना है तो हम यूज करेंगे बैकस्पेस की, और अगर हमें राइट साइड से कुछ भी इरेज करना है तो हम यूज करेंगे डिलीट की। ओके, अंडरस्टैंड किड्स? सो बैकस्पेस और डिलीट की का हम क्या यूज करते हैं? अगर हमने कुछ गलत टाइप कर दिया, अगर हमारी कोई मिस्टेक हो रही है टाइपिंग में और वो हमें करेक्ट करनी है और जो मिस्टेक है उसको इरेज करना है, तो हम बैकस्पेस या तो डिलीट की का यूज करके उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। बैकस्पेस की मदद से हम लेफ्ट साइड से इरेज कर सकते हैं और डिलीट की मदद से हम हमारे कर्सर की राइट में से कुछ भी रिमूव या तो इरेज कर सकते हैं। ओके, देन आफ्टर लेट्स सी वर्कआउट। लुक एट द पोजीशन ऑफ द कर्सर ऑन द स्क्रीन। व्हिच लेटर विल बी डिलीटेड व्हेन यू प्रेस द बैकस्पेस की एंड डिलीट की। यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, आप लोग देख सकते हो कि हमारा कर्सर कहाँ पर है। हमारा कर्सर है N एंड D के बिटवीन में, तो यहाँ पर अगर हम बैकस्पेस की प्रेस करेंगे तो कौन सा लेटर डिलीट हो जाएगा? जब हम बैकस्पेस की प्रेस करेंगे तब हमारी कर्सर के लेफ्ट साइड का जो लेटर है वो इरेज होगा। इट मींस इरेज होगा हमारा लेटर N।
एंड अगर हम डिलीट की प्रेस करेंगे तो हमारा कौन सा लेटर इरेज होगा? डिलीट। डिलीट की का यूज करके हम हमारी कर्सर की राइट साइड में जो लेटर है उसको इरेज कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमने सीखा बैकस्पेस एंड डिलीट की का यूज। नेक्स्ट हम सीखेंगे सिंबल कीज। लेट्स सी, यू यूज द सिंबल कीज टू टाइप सिंबल्स। हम सिंबल की का यूज करके सिंबल्स को टाइप कर सकते हैं। अगर हम कोई टाइपिंग कर रहे हो और उसमें हमें सिंबल्स टाइप करने हैं तो हम इजीली सिंबल की का यूज करके हमारे सिंबल्स टाइप कर सकते हैं। दीज आर पंक्चुएशन मार्क्स सच एज फुल स्टॉप, कोमा, क्वेश्चन मार्क, सेमी कोलन, कॉलन एंड एक्सक्लेमिनेशन साइन। सो there are different types of symbols. These symbols like full stop, comma, question mark and so on, these all are known as punctuation marks. Next, math symbols such as minus, plus, equal, greater than, less than and percentage sign. Third one, other special symbols such as curly braces, start, square brace start, curly braces hover, square brace hover, slash sign, brackets, and sign, has sign, and at the rate. Locate on the keys on your keyboard with the special symbols. हमारी कीबोर्ड की जो कीज है उनमें ये सारे सिंबल्स हम देख सकते हैं कि हमारे कीज पर लोकेट किए हुए हैं। उसको अगर हमें यूज करना है तो हम कैसे यूज कर सकते हैं? To type a symbol given on the lower side of a key, simply press the key, for an example, comma and full stop. अगर हमें हमारी कीबोर्ड के जो सिंबल्स है, हमारी की पर जो सिंबल्स है उसमें से जो लोअर साइड का सिंबल है उसको टाइप करना है तो सिंपली हम उस सिंबल की को प्रेस करके वो सिंबल टाइप कर सकते हैं। जैसे कि कोमा है, फुल स्टॉप है, ये जो सिंबल्स है जो हमारी की डाउन साइड है, अगर हमें उसे टाइप करना है तो सिंपली हम की को प्रेस करके टाइप कर सकते हैं। टू टाइप अ सिंबल गिवन ऑन द अपर साइड ऑफ अ की, प्रेस एंड होल्ड द शिफ्ट की एंड द प्रेस सिंबल की, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन मार्क एंड प्लस। और जो सिंबल्स हमारे कीबोर्ड की अपर साइड में है, अगर हमें वो सिंबल टाइप करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? अपर साइड जो सिंबल है उसे टाइप करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम शिफ्ट की को प्रेस करके होल्ड करके रखेंगे, देन आफ्टर जो सिंबल हमें टाइप करना है उसको हम प्रेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन मार्क साइन है, प्लस साइन है, ये सारे सिंबल्स जो है वो हमारे कीबोर्ड की अपर साइड में है, जिसे टाइप करने के लिए हमें शिफ्ट की को प्रेस करने की रिक्वायरमेंट होती है। सो यहाँ पर हमने सीखी सिंबल कीज। हम कैसे डिफरेंट सिंबल्स टाइप कर सकते हैं? हमारे कीबोर्ड में जो सारे सिंबल्स लोकेटेड है उसे हम इजीली हमारे जो नोट है उसमें टाइप कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे कीबोर्ड में कोई सिंबल ऐसे भी है जो हमारी एक की में दो सिंबल लोकेटेड है। जो अपर साइड का सिंबल है, अगर हमें अपर साइड का सिंबल टाइप करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शिफ्ट की को प्रेस करके होल्ड करके रखेंगे, देन आफ्टर वो सिंबल की हम प्रेस करेंगे। अगर हमें कीबोर्ड की में जो लोअर साइड है वो सिंबल टाइप करना है तो सिंपली हम उस की को प्रेस करके वो सिंबल टाइप कर सकते हैं। ओके, देन आफ्टर लेट्स सी वर्कआउट। राइट डाउन द सिंबल ऑन द फॉलोइंग की, टाइप द सिंबल्स। हमें यहाँ पर जो की हमें दी गई है उस पर जो सिंबल्स है वो सिंबल्स राइट डाउन करने हैं। यहाँ पर हमें फर्स्ट की दी गई है वन। वन के ऊपर कीबोर्ड में जो भी सिंबल है उसको हमें यहाँ पर राइट डाउन करना है। सो हमारे कीबोर्ड में जो वन है, नंबर की है जो वन, उसके ऊपर कौन सा सिंबल की हमें दिया हुआ है? उसके ऊपर हमें एक्सक्लेमिनेशन साइन दिया हुआ है।
सो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे एक्सक्लेमेशन साइन. देन आफ्टर की 9, इट मींस जो नंबर की में 9 नंबर की है उस की पर हमें कौन सा सिंबल दिया गया है, उस पर हमें सिंबल दिया गया है ओपन ब्रैकेट का. सो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे ओपन ब्रैकेट. देन आफ्टर लास्ट वन इज 0, हम हमारे कीबोर्ड की नंबर की में 0 की जो की है वो देखेंगे, उसमें हमें कौन सा सिंबल दिया गया है, उसमें हमें ब्रैकेट ओवर का सिंबल दिया गया है. तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे ब्रैकेट ओवर. यहाँ पर ये जो साइन है वो है एक्सक्लेमेशन साइन, जो नंबर की में 1 पर दिया गया है. देन आफ्टर सेकेंड जो 9 नंबर की है उस पर दिया है ब्रैकेट साइन. ये जो ओपन ब्रैकेट साइन है वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे. एंड लास्ट जो 0 है उस पर दिया गया है क्लोज ब्रैकेट साइन, इट मींस ओवर ब्रैकेट. ये जो साइन है वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे. ओके, तो आज हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखी एरो कीज, देयर आर 4 एरो कीज, अप एरो की, डाउन एरो की, लेफ्ट एरो की एंड राइट एरो की. हम कैसे एरो की का यूज करके हमारी मॉनिटर स्क्रीन पर मूव हो सकते हैं, हम लेफ्ट एरो की का यूज करके लेफ्ट साइड में मूव हो सकते हैं, राइट एरो की का यूज करके राइट साइड मूव हो सकते हैं, एंड अप एंड डाउन एरो की का यूज करके हम हमारी मॉनिटर स्क्रीन पर अप एंड डाउन मूव हो सकते हैं. देन आफ्टर नेक्स्ट हमने सीखा बैकस्पेस एंड डिलीट कीज. सो हम बैकस्पेस की का क्या यूज करते हैं? अगर हमें हमारी कर्सर की लेफ्ट साइड में से कुछ भी इरेज करना हो तब हम बैकस्पेस की का यूज करते हैं, और अगर हमें हमारी कर्सर की राइट साइड में से कुछ भी इरेज करना है तब हम डिलीट की का यूज करते हैं. देन आफ्टर हमने सीखी सिंबल कीज, कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स हमारी जो नोटपैड है या फिर हमारे कोई भी नोट है जो हमने टाइप की है उसमें कैसे सिंबल्स टाइप कर सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट हम सीखेंगे एक्सरसाइज. ओके बच्चों.